आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करें। हिजबुल्ला ने सरबरा हसन नसरुल्ला की शहादत की बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी। लेबनान के मजाहमती तहरीक हिजबुल्ला ने सरबरा हसन नसरुल्ला की शहादत की तस्दीक की है। गुज़िश्ता रोज इसराइल ने लबनानी दारुल हुकूमत बेरूत के जुनूबी इलाकों में बमबारी की थी और इस हमले में 2 अफराद शहीद जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए थे। गुज़िश्ता 5 रोज में ये इसराइली फौज की बेरूत पर सबसे ताकतवर बमबारी थी। जुनूबी टाउन पर इसराइली बमबारी में 4 इमारतों को नुकसान पहुंचा था। इसराइली फौज ने कुछ देर कबल बेरूत हमले में हिजबुल्ला सरबरा हसन नसरुल्ला की हलाकत का दावा किया था। ताहम अब हिजबुल्ला ने सरबरा हसन नसरुल्ला की शहादत की बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है। हिजबुल्ला की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि हसन नसरुल्ला शहीद हो चुके हैं। हिजबुल्ला का कहना था कि इसराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। गाजा और फलस्तीन की हिमायत लेबनान के दिफा के लिए अपना जिहाद जारी रखेंगे। इसके अलावा हिजबुल्ला के लेबनानी चैनल अल मिनार पर हसन नसरुल्ला की शहादत का ऐलान किया गया। इसराइल ने बेरूत हमले में हिजबुल्ला सरबरा की बेटी ज़ैनब नसरुल्ला की भी शहादत का दावा किया है।